नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार शर्मा। अपने वादे के हिसाब से मैं दूसरे वीडियो में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको आज एंजाइटी कैसे डेवलप होती है, कैसे निर्माण होता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले बता दूं जो कि ये चिंता और एंजाइटी क्या है। दोस्तों, ये चिंता एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जो न्यूरोटिक रोग प्रकार के अंतर्गत आता है। ऐसे मानसिक रोग दो प्रकार के होते हैं, एक साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस के अंतर्गत ये एंजाइटी डिसऑर्डर आता है। ये एंजाइटी इस प्रकार ऐसा रोग है कि इसमें लोग हमेशा भविष्य के प्रति अनहोनी होने की आशंका होती रहती है। वो हमेशा सोचता है कुछ न कुछ मेरे साथ अनहोनी होने वाला है। इस चलते वो हमेशा शंकाओं में घिरे रहता है। इस चलते उसका जीना जो है कि सुबह शाम का बिल्कुल एकदम दुभर हो जाता है। उसके लगता है पता नहीं कब क्या होगा। बच्चे बाहर रहते तो अरे पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। पति बाहर है तो पता नहीं उसके साथ लेट हो रहा क्या हो रहा होगा। मैंने इस तरह से वो चिंता में घिरा रहता है कि कुछ कहने का नहीं। वो हमेशा लगे अब पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है तो सर कोई जवाब नहीं। क्यों हो रहा है सर कोई जवाब नहीं। मैंने कोई इसका सही आपका गंतव्य बात तक क्लियर कट बात नहीं बोलेगा कि ऐसा इस कारण से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। उसके चेहरे से झलकेगा, उसके बेचैनी से झलकेगा, उसकी आप हाव भाव से बातचीत से पकड़ लेंगे कि चेहरे कुछ कुछ इसके साथ ऐसी बात से डर रहा है कि लगता है कि भविष्य कुछ कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, इसे यही चिंता होती है। वह परिवार की चिंता, बच्चों के एकेडमिक लेके चिंता, जॉब को लेकर चिंता, जीवन में चिंता चलती रहती है। लेकिन यह चिंता कहना है कि ये कुछ पॉजिटिव होती है और निगेटिव जब ज़्यादा होती है तो वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। चिंता रहने से क्या होता है कि आदमी को चिंता इसलिए रहना चाहिए ताकि उसे सजगता अलर्टनेस बना रहता है। जितना तक अलर्ट रहे उस लेवल तक चिंता ठीक ठीक है, उससे ज़्यादा फिर वह चिंता की ओर बढ़ाता है। इसलिए जो हर दिशाओं में ये चिंता होता है, इसलिए कहता कुछ फ्री फ्लोटिंग टाइप की होती है, हर तरफ से आती है, किधर से कोई आ रही है कोई क्लियर कट नहीं बता पाता। इसलिए इसे कहा गया कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों, इसी के बारे में बताऊं कि आज जो है ये चिंता कैसे उत्पन्न होती है। तो मैं इसको आपको एक कॉन्सेप्ट के द्वारा बताऊंगा जिसका नाम है डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, मन के गत्यात्मक पहलू के अंतर्गत मैं आपको इस एंजाइटी को समझाऊंगा, जो मूलतः वो तीन प्रकार की होती है। एक न्यूरोटिक एंजाइटी, दूसरा रियलिस्टिक एंजाइटी और तीसरा जो है आपका मोरल एंजाइटी। तो मैं इन तीनों के बारे में क्रम से बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। डेवलपमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसे मैंने बताया कि बताऊंगा कि ये कैसे डेवलप करता है। तो ये दोस्तों एंजाइटी जैसे बताया कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है और ये अमूमन सभी व्यक्तियों में होता है, आज की डेट में तो कॉमन होता जा रहा है। तो ये इस तरह का रोग है। तो मैं आगे बताऊं कैसे होता है डेवलपमेंट। डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड, सिमोन फ्राइड ने एस्पेक्ट ऑफ माइंड के अंतर्गत दो बातें की है, दो तरह के पहलुओं की चर्चा की है। एक पहला होता है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, दूसरा डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड। तो डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड में तीन बातें आती हैं। वह पहला जो है वह आता है इड। इड जो बिल्कुल प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, जो हम ये इस तरह का है जो हमेशा पासिव प्रवृत्तियों के पर का एक पक्षधर था। यानी कि इसमें कहिए कि जानवर जैसी प्रवृत्ति होती है, खास करके बच्चों में जिद करने की बात होती है कि अपनी इच्छा जैसे भी पूरा करें। तो ईड उसी तरह का है कि यह हमेशा अपनी आनंद की तलाश में रहता है। वो एक दुनिया की परवाह नहीं करता है या मानकों की परवाह नहीं करता है किसको क्या हुआ, बस एनी हाउ किसी भी तरह से उसकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। इस इच्छाओं पूर्ति करने के लिए वो हमेशा ताना बाना बुनता रहता है। और ये कहिए कि चेतन लेवल हो या अचेतन लेवल हो, कहीं भी स्थिर नहीं रहता है। ये इलेक्ट्रॉन की तरह वो चक्कर मारते रहता है, जैसे मौका मिलता है वो अपना इच्छा पूरा कर लेता है। तो ये इस तरह की बात है। तो यही इड ऐसा है कि ये इसको कहते हैं इच्छाओं के जलाशय, ये अपने को इच्छा पूर्ति करने के लिए हमेशा चाहता है एनी हाउ। तो ये इड सारी बीमारियों की जड़ कहिए तो आज यही है। चाहे सामाजिक आवश्यकता पूर्ति करने की बात हो, चाहे अपराध की बात, जगत की बात हो, सब कहीं ना कहीं जो ईड कहीं कहीं रहता है कि किस तरह से दुनिया का सारा सुख कब हम भोग लें। ये ईड हमेशा इस तरह से उसकाते रहता है, कहीं यूं परेशान करता हमको है। तो ये हमारे जितने नियंत्रण आ जाएगा वो सोचे कि हम बहुत कुछ एक संतोषपूर्ण जीवन जी सकेंगे। लेकिन ये ईड कमाल करता है कि हमें स्थिर नहीं देता है। दूसरा पहलू है ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। दोस्तों, ये ईगो हमेशा रियलिटी प्रिंसिपल करने का मतलब कि ये हमेशा वास्तविकता के आलोक में चल जाता है। जो सच्चाई है उसके साथ एक नॉर्म के तहत
जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मान के चलता है, जिससे कि एक नॉर्म मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि एज पर द रूल एज पर द नॉर्म हम बिहेव करते हैं, ताकि ये हमारा एक अच्छा प्रॉपर सोशल एडजस्टमेंट हो सके। तो ये हमेशा एक रियलिटी को बात करता है। तीसरा जो उन्होंने कहा सुपर ईगो, ये जो है ये मोरल प्रिंसिपल पर काम करता है, ये नैतिकता के सिद्धांत पर चलता है, यानी ये कहता है कि हम ये धर्म की राह चलो, पुण्य करो, लोगों को भला करो, आध्यात्मिक बातें करो, तो इस तरह के पक्षधर बातें ये सुपर ईगो करता है। ये हमेशा जिसका नैतिक पक्ष मजबूत रहता है, जिसमें जिस व्यक्ति में ये सुपर ईगो मौजूद रहता है, उसे अपराध या गुनाह करने से बिल्कुल रोकता है, तो ये हमारा सुपर ईगो है। तो इस तरह से ईट ईगो सुपर ईगो मिल करके हमारे व्यक्तित्व का एक रचना तैयार करता है। इसी तीनों में एक सामंजस्य रहता है, ईट जो है हमेशा इसके साथ एक सामंजस्य स्थापित करने प्रयास करता है, ये ईगो के साथ भी सुपर ईगो के साथ भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जब ईड और ईगो आपस में जो रिलेशन होना चाहिए, अगर ये नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि ईड इस पर हावी हो गया, तो परेशानी बढ़ जाती है, तो जितने तरह की विसंगतियां हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों पहले ईड में आओ, ईड में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट होता है इच्छाओं की। जब दो इच्छाएं आपस में आ जाती है, टकराती है, कि इसको लेके उसके लिए क्या करें, तो ऐसी स्थिति में ईड में जो इच्छाओं का जो लड़ाई होता है, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में क्या करे वो हमेशा उधर बन पड़ जाता है। तो इस परिस्थितियां जो उत्पन्न परिस्थिति होता है, नौकरी करे सेम टाइम, ये नौकरी करे, दो नौकरी के लेटर आ गया, इसको ज्वाइन करे, उसको ज्वाइन करे, दोनों पसंद नहीं है, तो वैसी स्थिति जो तैयार होती है, वैसी परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है, वो हमेशा एक तरह से कहिए ऐसा सिचुएशन है, ऐसा संघर्ष, मानसिक संघर्ष स्थिति होती है, कि उसमें व्यक्ति दोनों में पड़ जाता है, और वो उत्पन्न स्थिति एक न्यूरोटिक एंजाइटी का होता है। ये दो इच्छाओं टू विशेष जो है इच्छाओं की कॉन्फ्लिक्ट होने से जो उत्पन्न चिंता है वो कहलाता है न्यूरोटिक एंजाइटी होती है, ये न्यूरोटिक एंजाइटी है। दूसरा जो है आपका ईगो, ईगो के आधार पर जो ईगो, जैसा कि मैंने बताया रियलिटी और इन्वायरमेंट से और सेल्फ का जब आमना सामना होता है, जब ये वातावरण हमारा हम पे हावी हो जाता है, यानी कि वातावरण के चैलेंजेज को जब हम अपनी डिफेंस मैकेनिज्म, जो व्यक्ति का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे वह तर बितर क्षमता करके वो उस पर चाहता है कि हम अपना प्रभुत्व जमा सके और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उस वातावरण के आगे इसका जोर नहीं चलता है, वो नतमस्तक होता है और वह से हारने की स्थिति आती है, उससे सामना करने में वो घबराहट होने लगती है कि कैसे फेस कर सकते। तो वातावरण से और ईगो का जो एडजस्टमेंट है, इसमें जो परेशानी आती है उससे उत्पन्न जो है वो हमारा रियलिटी, जो वास्तविक सिचुएशन से उत्पन्न होती है, उसे हम लोग बोलते हैं रियलिटी एंजाइटी। तो दोस्तों इस तरह से हुआ आपका न्यूरोटिक एंजाइटी, जो ईड की कॉन्फ्लिक्ट डिजायर्स होती है, ईगो का वातावरण के साथ और सेल्फ का जो सामना होता है, तो उसी से उत्पन्न होना, और उसमें जो व्यक्ति अपने कमजोर समझता है वहां से आ रही है रियलिटी, यानी कि रियलिटी एंजाइटी वहां गई। तीसरा जो सुपर ईगो से है, यह मोरल एंजाइटी है, ये मोरल एंजाइटी बात करता है। मोरल एंजाइटी ये तब होता है जब ईगो पर, उसकी ईगो पर खतरा पैदा होता है, कि ईगो जब वो समाज और ईड के कारण दोनों से जब कहा सुनी हो जाता है, उससे दोनों के सामने हुआ नतमस्तक की स्थिति होती है, कि अब झुकने की स्थिति होती है, तो इसका अस्तित्व खतरा मान लेता है, इसकी जो धार्मिकता होती है, जो मोरलिटी है, वो लगता है आप मेरे खतरे में है। तो ये जो वास्तविकता और ईड के कारण होता है, जो ईगो परेशानी सामना करना पड़ता है, कुछ गुनाह कर दिया तो ईगो बदनामी होती है, धक्का लगता है, उसको स्वाभिमान लगता है, ये अधर्म काम किया, तो ये सब बातें जो व्यक्ति में डालता है वो आपका सुपर ईगो है। तीसरे दोस्तों हम ईड ईगो और सुपर ईगो में कैसे एंजाइटी तीन तरह उत्पन्न होता है, न्यूरोटिक एंजाइटी, रियलिटी एंजाइटी और मोरल एंजाइटी। तो ये तीन तरह की चिंता आप में मैं इस ब्रीफ में संक्षिप्त में चर्चा किया कि इस डायनेमिक एस्पेक्ट के अंतर्गत भी तीनों चिंताएं घेर लेती है।
जो आदमी इन तीन चिंताओं पर रहता है, ऐसी तीन चिंताओं से लेके आगे लोग बड़े बड़े मानसिक रोग का आगे बढ़ जाते हैं। जितने भी तरह के मानसिक रोग है, चाहे साइकोसिस की बात करें जिसमें सिज़ोफ्रेनिया परिणय आता है, सबके प्रारंभिक पॉइंट स्ट्रेस, स्ट्रेस से एंजाइटी, एंजाइटी सबको लेके आगे बढ़ जाती है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत लोग बात करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी को अगर शुरुआती दौर पर उसको खत्म कर दिया जाए, उसको समझ लिया जाए तो, और जो काउंसलर और माइंड काउंसलिंग और सैंपल चिकित्सा विधि से हो सकता है, अगर इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बहुत से इस चिंता को यहीं दूर करते हैं और बड़े मानसिक रोग होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमको आज के संदेश में यही जाना था कि तीन तरह की एंजाइटी जो डायनेमिक एस्पेक्ट माइंड के तरफ डेवलप होता है, इस बारे में बताना था। मैं दोस्तों यहां तक आपको कहां तक समझा पाने में सफल हुआ हूं। मैं चाहूंगा कि आप अपने सुझाव से हमें बताएं। दोस्तों, तो मैं आप ज्यादा से ज्यादा अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, और अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपकी इसी भावना से हम आगे कुछ वीडियो बना पाएंगे। तो दोस्तों, यहां तक के लिए इतने ही, धन्यवाद।